छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। भगवान राम की माता कौशल्या कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। 8वीं या 9वीं सदी में छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर राजधानी रायपुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर चंदखुरी गांव में स्थित है। यह दुनिया का इकलौता कौशल्या मंदिर है। इस भव्य मंदिर प्राकृतिक घटाओं से घिरा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु राम माता कौशल्या की गोद में विराजे हैं। उनकी दिव्य मूर्ति के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस तरह से कौशल्या के पुत्र श्री राम कौशल प्रदेश के भांजा हुए। छत्तीसगढ़ के लोग इस रिश्ते को आत्मीयता के साथ निभाते हैं। यहाँ के लोग अपनी बहन को माता कौशल्या और भांजे को प्रभु राम का रूप मानकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। बताया जाता है कि प्रभु श्री राम अपने वनवास काल के दौरान 10 वर्ष से अधिक समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था। इसके बाद वे दक्षिण की तरफ गए, इस वजह से ही इसे दक्षिण पथ भी कहा जाता है। कौशल्या माता मंदिर में 21 जनवरी की शाम से यहां महोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज शाम 6 बजे 21,000 दीपों के साथ महाआरती की जाएगी और दीपावली मनाई जाएगी। चंदखुरी के लोग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में काफ़ी खुश और उत्साहित हैं। वो सभी भगवान राम को अपने भांजे की तरह मानते हैं क्योंकि उनकी माता देवी कौशल्या यहाँ की निवासी थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि भगवान राम अपने बचपन के दिनों में चंदखुरी आया करते थे। अपनी माता के साथ वो अपने ननिहाल में वक्त बिताते थे, खेलते थे। यहाँ राम को गोदी में लिए माता कौशल्या मंदिर में विराजमान है। यहाँ के निवासी अपने भांजे भांजियों को भगवान का रूप मानकर उनके पांव छूते हैं, उन्हें जूठे नहीं खिलाते हैं और